हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार सर्दियां आ चुकी है, ऐसे में यहां पर मैं एक बहुत ही शानदार रूम हीटर का रिव्यू और टेस्टिंग करके आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये एक नॉर्मल रूम हीटर नहीं है फ्रेंड्स, ये है एक स्मार्ट रूम हीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुकेश भाई, रूम हीटर तो रूम हीटर होता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये एक स्मार्ट रूम हीटर है। तो ये स्मार्ट कैसे है, यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, पूरा रिव्यू और टेस्टिंग करके आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। और अभी तक भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो रूम हीटर जो कि एक स्मार्ट रूम हीटर है, और इसका प्रोडक्ट नेम है एम्ब्रस प्लस स्मार्ट रूम हीटर। और फ्रेंड्स, ये जनपल्स कंपनी का आता है। साथ ही फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए यहाँ पर ये मेड इन इंडिया का है, और देखिए यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। तो यार ये इंडिया का ही बना हुआ है, मजबूत प्रोडक्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। वैसे तो मैंने इसको पहले ही खोल लिया था, क्योंकि यार मैं रह नहीं सका इसको बिना खोले। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एडेप्टर लगने के बाद में ये स्मार्ट बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एडेप्टर ही नहीं है, इसमें और भी सिस्टम है। क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रूम हीटर के अंदर यानी कि उसके आगे स्मार्ट लगा हुआ है, तो आप वहीं पे समझ जाइए फ्रेंड्स कि स्मार्ट रूम हीटर यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज है। तो वो एक्स्ट्रा क्या है, वो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मैनुअल। तो यहां पर ये वीडियो देखने के बाद में आपको मैनुअल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसी हिसाब से समझाने वाला हूं सारी चीज कि ये रूम हीटर किस तरीके से काम करने वाला है। तो देखिए यहां पर मैं सबसे पहले इस रूम हीटर को निकाल लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो रूम हीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीछे से कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है, और ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं इसके अंदर दो वॉल्यूम बटन है, जिसके अंदर एक इस तरह से घूमता है और दूसरा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर ये जो जाली से आप देख रहे हैं, इसके सेम पीछे की तरफ भी इसी तरह से जाली बनी हुई है। तो ये यहाँ से क्या करता है, हवा को खींचता है, दोनों तरफ से हवा को खींचता है और सामने की तरफ से देगा, इस तरफ से ये हवा बाहर निकालेगा। और ये हो गया इसका पकड़ने का, आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं। यहाँ से ये चाहे कितनी भी गर्म हवा दे, चाहे 1000 वाट की, फिर चाहे 2000 वाट की, क्योंकि फ्रेंड्स इस रूम हीटर को हम चाहे तो 1000 वाट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर 2000 वाट के लिए। तो मैं बता रहा था कि ये चाहे कितनी भी वाट की हीट यहाँ से बाहर निकाले, ये हैंडल कभी भी गर्म इसका नहीं होगा। और देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं या फिर चाहे हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ ये दोनों स्टैंड, और यहाँ पर ये जो हैंडल है ये स्टैंड का काम ही करेगा इस तरीके से रखने का। तो इस तरीके से भी हम इसको रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीके से काम करेगा, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर। और जो चीज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है एक स्मार्ट चीज, तभी तो ये स्मार्ट रूम हीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे पावर के अंदर। तो यहाँ पर ले लिया है हमने 220 वोल्ट एसी के लिए पावर बोर्ड, और देखिए इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, ये सॉकेट पावर वाला है, बड़ी साइज में है, तो हमारा बोर्ड भी उसी हिसाब से है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, कर देता हूँ ऑन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से लाइट आ चुकी है, एक रेड और एक ब्लू लाइट जल रही है, ठीक है। और अभी हमारा जो स्मार्ट रूम हीटर है वो चालू नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस रूम हीटर को मोबाइल से कनेक्ट करवाने वाले हैं। और उससे फ्रेंड्स ये होगा, हम चाहे कहीं पर बैठे हुए हो या चाहे फिर लेटे हुए हो, हम मोबाइल के द्वारा इसको बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको मोबाइल के द्वारा कनेक्ट करवा लेता हूँ। यहाँ पर लेंगे मोबाइल, तो इस मोबाइल में हम प्ले स्टोर के द्वारा इस तरीके से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जन पल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल कर रखी है, और देखिए यहाँ पर ये अभी अपडेट मांग रहा है, तो इसको मैं अपडेट तो कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर ये एंड्रॉयड के अंदर मैंने ऐसा कर रखा है, अगर आईफोन के अंदर आप करते हैं तो ऐप स्टोर पर भी आपको ये ऐप मिल जाएगी, जनपल्स। तो देखिए यहाँ पर ये ऐप हमारे पास यहाँ पर आ गई है, और देखिए इसको मैं खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर रखा है, और अगर आप फर्स्ट बार करोगे तो आप भी इस ऐप को बिल्कुल आसानी से रजिस्टर कर लीजिएगा, मेल आईडी वगैरह वो पूछेगा और बिल्कुल आसानी से रजिस्टर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम ऐड डिवाइस पे। तो आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पर क्लिक कर लेता हूँ ऐड डिवाइस पे, क्योंकि हमें ये रूम हीटर ऐड करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ये जो बटन आप देख रहे हैं इसको मैं क्लिक करके रीसेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं 5-6 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूंगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंट्रोल लिखा हुआ है और एक वाईफाई। तो वाईफाई पर ये देखिए इस तरीके से ब्लिंक करने लग गई है एलईडी, जो ब्लू वाली एलईडी है वो, और कंट्रोल पे रेड एलईडी है ही, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट हीटर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो रीसेट डन, ठीक है। इस पे नेक्स्ट करेंगे अब, और देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा वाईफाई है। मैंने वाईफाई का नाम डाल दिया है और यहाँ पर डाल दिया पासवर्ड। अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये देखिए, और अब ये इसको 5 मिनट के अंदर अंदर कनेक्ट करवा देगा। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस कनेक्टेड, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए सेव डिवाइस आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूंगा तो हमारी डिवाइस यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मोबाइल के द्वारा इस हीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा मोबाइल, तो मैं इसको एक बार इस तरीके से खड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है टैप टू टर्न ऑन, तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा हमारा स्मार्ट रूम हीटर ऑन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, तो अभी फ्रेंड्स हमारा जो रूम हीटर है वो ऑन हो चुका है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों लाइटें ग्लो हो चुकी है। और अब देखिए इसका जो फैन वाला कंट्रोल स्विच है इसको मैं बढ़ाता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट आ चुकी है और इसके अंदर यहाँ पर हवा आने लग गई है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये हवा आ रही है बिल्कुल ठंडी, यहाँ पर ठंडी हवा इसलिए आ रही है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ फैन पे इसको ऑन किया है, यानी हम इसकी हवा चाहे जितनी खोल सकते हैं इस स्विच के द्वारा। तो ये हुआ है मोबाइल से ऑन। तो यहाँ पर मैं एक बार मोबाइल को रख देता हूँ और देखिये इसकी हवा को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और देखिये इस तरीके से चाहे जितनी हवा हम इससे खोल सकते हैं। ये देखिए काफी तेज मैंने इसकी हवा को कर दिया है, ये देखिए इसके अंदर से काफी तेज हवा आ रही है, आपको भी आ रही होगी ठंडी ठंडी। अरे यार कैसी बात कर रहा हूँ, आपको कैसे आएगी यार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, देखिए, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है, एक डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये 1000 वाट पे चलेगा, और दो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये 2000 वाट पे चलेगा। तो इसको फ्रेंड्स मैं आपको टेम्परेचर मीटर के द्वारा चेक कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, यानी हम इसको गर्मियों के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स सर्दियों के हिसाब से हम इसको किस तरीके से चलाएंगे। तो देखिए इसको मैं सबसे पहले 1 वाट पे कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर हीट बढ़ना स्टार्ट हो गई है, और आप इसके अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से हीट बढ़ रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ी देर में फ्रेंड्स यहाँ पर रूम का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हो जाएगा। तो काफी हीट आ रही है फ्रेंड्स सिर्फ 1000 वाट के अंदर, और देखिए इसका तापमान भी आप देख सकते हैं 43 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो गया है, 44 हो गया है, 45 हो गया है, अब यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड्स इसको मैं 2000 वाट पे करता हूँ। अब यहाँ पर 2000 वाट पे फ्रेंड्स इसकी हीट और भी तेज आ रही है, यानी सामने तो रहा ही नहीं जा रहा। इसको मैं साइड में करके आपको बताता हूँ, और देखिए इसका अब आप तापमान देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से बढ़ रहा है। यार ऐसे तो हाथ जल जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ हाथ को, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 91-92 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है फ्रेंड्स ये, और अब देखिए यहाँ पर हीट भी काफ़ी तेज हो गई है, और जो रूम का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी थर्मामीटर फ्रेंड्स इसके सामने था, लेकिन रूम का असली जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा थर्मामीटर के द्वारा। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस कंट्रोल स्विच को हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो फैन की स्पीड भी और तेज हो जाती है, जिससे ये और भी तेज हीट बाहर फेंकने लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स इस तरीके से। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको मोबाइल के द्वारा बताता हूँ, देखिए इसके द्वारा हम इसको बंद कर सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स। तो क्लिक करने के बाद में ये कितनी देर में बंद हुआ, 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड, वो आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसको मैं वापस से ऑन करता हूँ, तो देखना फ्रेंड्स अब ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स
वापस ऑन हो गया है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी फंक्शन है, इसके अंदर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि पर डे आपका इस हीटर के द्वारा कितना खर्चा आया है, कितनी यूनिट इसके अंदर जली है। देखिए 2.1 किलोवाट यहाँ पर बिजली की खपत हुई है अभी, और देखिए 218.3 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी दिन की बिजली की खपत देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हम इस रूम हीटर को अपने घर के अंदर ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर से बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने इस रूम हीटर को कितने बजे से लेके कितने बजे तक चालू रखना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रूम हीटर को कब चालू करना चाहते हैं और कब बंद करना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एड शेड्यूल करके भी आप कर सकते हैं। आप रोज सेम चीज करना चाहते हैं कि उसी वक्त पे ये चालू हो, उसी वक्त पे ये बंद हो जाए, तो आप इसको रिपीट पे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे फैमिली मेंबर के साथ में, तो सेम का सेम ये रूम हीटर उसके मोबाइल में भी एड हो जाएगा। तो आप और भी फैमिली मेंबर के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो और भी बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं आपको इस रूम का टेम्परेचर चेक करवा देता हूं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 47.8 वोल्टेज के लगभग अभी इसका टेम्परेचर है, और मुझे यहां पर बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि यार गर्मियों के दिन आ गए हैं और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बंद। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है, और ये देखिए हमारा रूम हीटर यहाँ पर बंद हो चुका है। तो है ना फ्रेंड्स, गजब का रूम हीटर। तो प्लीज यार, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है वो लोग भी इस तरह का स्मार्ट रूम हीटर ढूंढ रहे हो। साथ ही फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस के लिए इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।